नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में सोता नहीं था, तस्करों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि देखकर लोग कांप जाएंगे। नरेंद्र मोदी सीएम पीएम रहने के बाद भी खुद को गरीब कहते हैं, चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। यूएफओ खोजने के लिए वायुसेना ने राफेल फाइटर लगाए थे, इंफाल एयरपोर्ट की सूचना पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किए। दिल्ली में AQI फिर 300 पार, हवा बहुत खराब, 10 दिन बाद स्कूल खुले, ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क से रोक हटी। दिल्ली एलजी का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार, कहा जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित, सीएम अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अलीगढ़ में मनाया गया गोपाष्टमी का त्यौहार, श्रद्धालुओं ने की गाय की पूजा, शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। औरैया में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बहराइच में दबंगों ने हॉस्पिटल पर किया हंगामा, पीड़ित पक्ष पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने दबंगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, मामले की जांच में जुटे पुलिस। हरदोई में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बैन, FSDA की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, दुकानों में की गई छापेमारी। हमास के साथ संबंधों के आरोप में इजरायली सेना के फ्रीलांस पत्रकार को किया गिरफ्तार, कंपनी ने तोड़े सारे करार। हुती के लड़ाकों ने बीच समंदर से अगवा कर लिया भारत की ओर आने वाला जहाज, फिल्मी स्टाइल में हेलीकॉप्टर से उतरे। समंदर में जा गिरा यूएस नेवी का विमान, 9 घातक मरीन कमांडो ने तैर कर बचाई जान, P-8 विमान की औसत कीमत $150 मिलियन है। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से कांपा अफगानिस्तान, रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। लंबे समय के लिए जेल जा सकती है शकीरा, टैक्स धोखाधड़ी मामले में बुरी फंसी पॉप सिंगर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गाजा के पीड़ित बच्चों से की अपनी बेटे की तुलना, तस्वीर शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट। भारत के हार से बौखलाए फैंस की शर्मनाक हरकत, ट्रेविस हेड की वाइफ और बेटी को दे रहे रेप की धमकी। भारत की हार पर मोदी बोले, हम हमेशा आपके साथ, राहुल गांधी ने कहा अच्छा खेले, जीत हार दोनों में टीम के साथ। ३०० गोल दागने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने एम्बाप्पे, रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ा। सविता पूनिया लगातार श्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार की रेस में तीसरी बार जीत सकती हैं अवार्ड, ओलंपिक क्वालिफायर्स पर है निगाह। मैं तो उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अंकिता लोखंडे ने कही बड़ी बात। इंटरनेशनल अवार्ड जीतने के बाद इमोशनल हुई एकता कपूर, वीरदास ने इंटरनेशनल एमी 2023 में बड़ी जीत हासिल की। टाइगर 3 के सक्सेस पर सनी देओल ने सलमान खान को दी मुबारकबाद, बोले जीत गए फैंस ने किए कमेंट। कॉफी विद करण 8 में ब्रेकअप पर बात करने से सलमान खान से खफा हुए कार्तिक आर्यन, बोले अपने रिलेशनशिप का सम्मान करना चाहिए।
दिवंगत पिता को याद कर इमोशनल हुई ऐश्वर्या राय बच्चन एक्ट्रेस ने शेयर की पुरानी तस्वीरें। मिनट की 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।